कि न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रखी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, क्योंकि बहुत सारे लोग तो न्यू वोटर कार्ड अप्लाई कर लेते हैं मोबाइल से लैपटॉप से, लेकिन उनका वोटर कार्ड अप्लाई होने के बाद रिजेक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि वो उनको पता नहीं है कि अप्लाई करते समय क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स देकर अप्लाई करेंगे ताकि उनका जो वोटर कार्ड है इजिली बन के उनके घर पर बाय पोस्ट आ जाए। लेकिन वही गलती करते हैं कि उनको पता नहीं है कि न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करने में क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड, और आप इजीली वोटर कार्ड को अप्लाई करेंगे और आपके घर पे आपका जो है ओरिजिनल वोटर कार्ड आ जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल के सर्च बार में आएंगे, टाइप करेंगे ऑनलाइन सुजीत, आपको यहाँ पे सर्च करना है, वन भी आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आप टाइप करके लिख के और सर्च कर लेंगे तो पहला जो यहाँ पे वेबसाइट आएगा आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया रहता है वोटर कार्ड का, आप यहाँ पे देखते हैं इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से ऐड आएगा, इसको यहाँ पे बंद करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि वोटर कार्ड अप्लाई या यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हैं वोटर कार्ड अप्लाई, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाद में क्या होगा कि ये पोस्ट नीचे चला जाएगा तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च बार में आएंगे और टाइप करके सर्च करेंगे वोटर कार्ड अप्लाई, तो ये वाला पोस्ट आपको यहाँ पे शो करेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपके इसमें ये इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट अभी स्लो है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप यहाँ पे इसमें वोटर कार्ड अप्लाई, नया वोटर कार्ड कैसे अप्लाई करें, ऐसे अप्लाई करें, रिजेक्ट नहीं होगा, पोस्ट ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे समझना है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं न्यू वोटर कार्ड अप्लाई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया गया है। तो न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, जिनका आप न्यू वोटर कार्ड बना रहे हैं उनका, एंड उसके बाद मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है ओटीपी जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको पास ईमेल आईडी है तो दीजिए, वरना नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगता है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, 10वीं या 12वीं का जो है मार्कशीट हो गया, या फिर इंडियन पासपोर्ट हो गया, जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे देखते हैं 6 डॉक्यूमेंट्स, जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर आधार कार्ड दे रहे हैं तो इधर भी आपको आधार कार्ड नहीं देना है, दोनों आपको एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर इधर पैन कार्ड दे रहे हैं तो इधर आप आधार कार्ड दीजिए, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट्स इसमें से आपको लेना है और एक डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें से लेना है न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करते समय। तो यहाँ पे एक आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया और दूसरा डेट ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस हो गया, ठीक है। तो जैसे कि प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके यहाँ पे देखते हैं, गैस कनेक्शन बिल हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासबुक हो गया, इंडियन पासपोर्ट हो गया, ठीक है, और भी यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स दिए गए। तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना है और एक डॉक्यूमेंट्स इसमें से देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक बर्थ प्रूफ और एक आपका है गया रेसिडेंस प्रूफ, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जो विकलांग है उनको यहाँ पे विकलांग सर्टिफिकेट लगेगा, यानी अप्लाई करते समय उसको भी स्कैन करके या फोटो क्लिक करके अपलोड करेंगे। बाकी यहाँ पे आपके जो फैमिली मेम्बर होंगे जिनका अप्लाई हो रहा है, उनके माता या पिता किन्हीं एक का आप वोटर कार्ड ले लीजिए और उस वोटर कार्ड का ईपिक नंबर और उनका जो भी नाम होगा वो अप्लाई करते समय ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करते समय गृह संख्या की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बताया है, आप इजीली इस वीडियो को देख के गृह संख्या पता कर सकते हैं। उसको ध्यान से नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर इस तरह की न्यू वोटर कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताई गई है। तो आप पार्टिकुलर इस वीडियो को देखिए और न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करना सीख लीजिए। तो मेन इस वीडियो का जो मकसद था मैंने बता दिया कि न्यू वोटर कार्ड अप्लाई करते समय क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होती है। तो मैं आपको एक बार फिर से चर्चा यहाँ पे कर देता हूँ, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देना है तो दीजिए वरना छोड़ दीजिए, और एक डॉक्यूमेंट्स आपको इधर से लेना और एक डॉक्यूमेंट्स इधर से आपको लेना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट दीजिए, विकलांग नहीं तो विकलांग सर्टिफिकेट नहीं दीजिए, जो मैं आपको 6 नंबर में बताया था। इसके अलावा फैमिली मेंबर का जो वोटर कार्ड एप्लीकेंट है उनके किन्हीं माता पिता का
आप वोटर कार्ड दीजिए और उसका आईपिक नंबर आपको वहाँ पर अप्लाई करते समय डालना है। बाकी यहाँ पे गिरी संख्या लगता है तो मैंने आपको बता दिया, इस वीडियो को देखकर आप पता कर लीजिए। उसके अलावा वोटर कार्ड कैसे अप्लाई करना है वो जानकारी इस वीडियो में बताई गई है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपका वोटर कार्ड रिजेक्ट नहीं होगा, बशर्ते आप नकली आधार कार्ड वोटर कार्ड वहाँ पर अटैच नहीं करेंगे। जो भी आप प्रूफ लगाएंगे ओरिजिनल लगाएंगे फोटो क्लिक करके और साफ स्पष्ट उसमें जो भी जानकारी लिखी गई है वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। उसके अलावा अगर आपको मन में कोई डाउट्स है तो नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।